तो आइए बनाते हैं ओट्स इडली, जो कि बहुत हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और वेट लॉस के दौरान आप इसे खा सकते हो, बहुत तेज़ी से आपका वज़न भी कम होता है। तो आपको क्या करना है, पहले एक कटोरी के करीब ओट्स लेना है और उसको पीस लेना है। और क्योंकि मैं चार लोगों के लिए बना रही हूँ, तो मैं दो कटोरी ओट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने दो कटोरी ओट्स लिया। अब आपको एक कटोरी सूजी ले लेना है, बिल्कुल इस क्वांटिटी में इतना सूजी ले लेना है, और इसको भी ओट्स के साथ मिक्स कर देना है। अब हम इसमें छोटे कटोरी से एक कटोरी दही लेंगे और इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा थिक कर लें। और ओट्स थोड़ा ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करता है, तो इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा पानी लगेगा। मैंने यहाँ मीडियम ग्लास से 1.5 ग्लास वाटर यूज़ किया है। अब इसमें हम 1.5 टीस्पून नमक डालेंगे और इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इडली का बैटर रेडी हो चुका है, अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। तो मैंने एक पैन गर्म किया, उसमें थोड़ा घी डालेंगे, राई, थोड़ा उड़द दाल और चना दाल डालकर इसको थोड़ी देर तक भून लें। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा काजू और हरी मिर्च और इस सबको अच्छे से लाइट ब्राउन होने तक हमें भून लेना है। तो ये कुछ इस तरीके का जब दिखने लगेगा तो बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसे इडली के बैटर में डालकर और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। अब हमें इसको स्टीम करना है, तो मैंने इडली मेकर में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाला है ताकि ये सटे नहीं। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा बैटर डालेंगे और इसको स्टीम कर लेंगे। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, 5 मिनट में स्टीम हो जाएगा। तो इसको आप ढक कर छोड़ दें और चलिए अब चटनी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिया है पीनट, उसमें थोड़ा लहसुन, हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी डालें और इसको पीस लें। और इसमें थोड़ा सा नींबू और नमक डालें और हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है, जो कि बहुत टेस्टी लगती है ओट्स इडली के साथ। और यहाँ हमारी इडली भी रेडी हो चुकी है, तो आइए अब इसे सर्व कर लेते हैं। वाओ, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। आप देख सकते हो ये कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। तो आप भी इसे बनाकर जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी है खाने में। ऐसी और रेसिपीज के लिए और हेल्दी टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।